सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिलहाल मैं जा रहा हूँ मंदिर पे, क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ टूर के लिए, मैं एक बार मंदिर में दर्शन करके, बस शिव जी का दर्शन करके चला जाता हूँ। फिलहाल हम आज हमारे आखिरी जो लास्ट हमारा ज्योतिर्लिंग दर्शन है उसको करने के लिए हम जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन मोर एपिसोड ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग भारत यात्रा। और आज का सफ़र होने वाला हमारा दिल्ली से लेके केदारनाथ तक का। सो निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया और फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 2 एंड अभी हम जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 120 के पास, जहाँ पे हमें अरविंद भाई को पिकअप करना है। अरविंद भाई को हमें ब्लाबला कार में हमें मिला। ब्लाबला कार में हमने राइड पोस्ट किया था कि मैं, क्योंकि हम केदारनाथ तक के जा रहे हैं, तो ऑन द वे कोई सवारी मिले तो हम ले चलते हैं। पैसों के लिए नहीं, कंपनी के लिए, क्योंकि ब्लाबला कार में काफ़ी कम रेट मिलता है। अभी से अरविंद भाई का हमें 450 रुपये वो पे करेंगे यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक का। और ये अभी ये है सलीम भैया, इन्होंने पूरा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन हमारे साथ किया है एंड इनको काफ़ी बार वीडियो में देख भी चुके होंगे हम। एंड इसके बाद अरविंद भाई के पिकअप लोकेशन पहुंच गए। क्या नाम है आपका? अरविंद। और ये रहे हमारे अरविंद भाई। तो चलिए अब सीधा चलते हैं ऋषिकेश तक। फिलहाल यहाँ पे कर लेते हैं अपना रिफ्यूलिंग एंड फिर निकल पड़ते हैं ऋषिकेश, फिर गुप्तकाशी केदारनाथ। सो फिलहाल हम चल रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में, और एक शानदार रोड, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब पिछले साल पाँच छः साल में हमने बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त हाईवे देखा अराउंड द कंट्री एंड मौसम का मज़े लोग उठाते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हमारे ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि हम अक्सर अपने जर्नी पे अननोन स्ट्रेंजर्स को साथ में लेके चलते हैं। तो ये हमेशा से ही मैंने महसूस किया है कि मेरे पास ऐसा एक कैमरा होना चाहिए जो कि मैं सामने डैशबोर्ड में लगा और जो कि केबिन का पूरा व्यू ले ले, ताकि हम लोग जब कन्वर्सेशन करें कई बार ही मतलब उसको रिकॉर्ड कर पाए। अब जैसे कि बातचीत चल रहा है अरविंद भाई और हमारे बीच, अरविंद भाई जो है आपका गारमेंट्स के काम करते हैं और उनका बेडशीट्स टॉयल्स वगैरह इनका इनके काम है। और ये बेसिकली दिल्ली से दिल्ली आए थे कुछ अपना मीटिंग्स के लिए, और क्योंकि इनके मीटिंग जल्दी पूरे हो गए, फिलहाल अमरूद खाते फिर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो फिर जैसे हम कह रहे थे कि अरविंद भाई को एक्चुअली खाली अरविंद भाई नहीं थे आज, अब हमारा सुबह का प्लान था, सुबह आपका 8 बजे का प्लान था एंड मंदिर का दर्शन नहीं हो पाया इसलिए हम सुबह नहीं निकल पाए। तो सुबह से मेरा कुछ 4-5 क्लाइंट्स थे जिनको हमें लेके जाना था ऋषिकेश हरिद्वार ऐसे ऐसे, बट क्योंकि हम देर हो गए, बाकी सभी लोग चले गए कैंसिल करे, अरविंद भाई ने कैंसिल नहीं किया। ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि जो बंदा 6 बजे 7 बजे जाने वाला, वो बंदा 2-3-4 बजे तक रुके, वो भी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हमारे सामने से गुजर रहे हैं हरिद्वार। तो अब ये सीन हुआ है कि मतलब क्योंकि अरविंद भाई का कोई काम नहीं है ऋषिकेश में, वही 3-4 दिन वो ऐसे ही घूमने वाले थे क्योंकि उनका मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गया। तो सीन यही था कि वो ऋषिकेश में हमारे साथ आते और ऋषिकेश में उतर के फिर यहाँ 3-4 दिन आश्रम में बिताते। तो जब उनको पता चला कि हम केदारनाथ जा रहे हैं, जब बातचीत हो गए तो घुल मिल गए, तो अब भाई ये कह रहे हैं कि हम भी केदारनाथ आपके साथ चलते हैं क्योंकि हमारे पहले दर्शन होंगे। ये सामने है घाट, बहुत घाट का अभी जो आपका ऋषिकेश हरिद्वार के घाट से वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। और ये सामने हमारा नया ब्रिज, ये भी नया बना है, काफ़ी ज़्यादा नया कंस्ट्रक्शन है। बट सुनने में आया कि मतलब ऋषिकेश के ऊपर रोज बहुत ख़राब हाल में है, मौसम देखो, रोज नए बने हैं लेकिन रोज टूटे भी हैं। तो फिलहाल हम हरिद्वार से निकल के हम आगे ऋषिकेश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी इसी नहीं है कि अरविंद भाई को भी हम साथ में लेके जा रहे हैं, और बहुत ही रैंडमली प्लान बना,
दोनों का मन मिल गया, मतलब बातचीत मिल गया, तो और नहीं उनके नहीं पास अभी टाइम गारंटी था, नहीं है, 11-12 बजे से उनको अवेलेबल भी नहीं जाने है। का इच्छा था और हमने भी थोड़ा उनको फोर्स कर लिया, हम भी अकेले रह गए थे तो फिर साथ में मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी आगे वार्निंग काफ़ी सारे हैं। अब फर्स्ट दूसरी टाइम बात नहीं यह है जा कि रहा हूँ अरविंद भाई को हमने सजेस्ट किया कि आप और अभी हेलीकॉप्टर का बारिश टिकट बुक लो, शुरू हो गया बुक कर लो। हमने तो बहुत पहले बुक कराया था हेलीकॉप्टर का अब टिकट, बट पहुँचेंगे क्योंकि अभी टिकट्स अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो फिर नहीं रजिस्ट्रेशन तो सैटरडे उन्होंने फटाफट सैटरडे कर लिया। पहुँचेंगे। अब हम वहाँ जाके देखेंगे कि हेलीकॉप्टर का टिकट अरविंद भाई को मिलेगा कि नहीं। ये तो किसी का चांस तो अभी वाली पहुँच बात है, जाएंगे लेकिन हम क्या चांस पता लेके कैसे देख पा रुक रहे हुआ हैं है। कि अरविंद भाई का केदारनाथ यात्रा सफल होता है कि नहीं। वैसे मतलब जब मन बारिश से में ठान बारिश लिया तो बाबा जी का आशीर्वाद तो है ही है, और उम्मीद है कि हम अच्छे से यात्रा करके आएंगे। अब हम पानी से खेलेंगे एंड टॉफी दूसरा इसका पहलू ये भी है कि क्योंकि हम काफ़ी टाइम, मतलब मैंने 11 यूटिलिंग करने का 12वीं यूटिलिंग जो हमारा केदारनाथ था वो काफ़ी टाइम तेज कैंसिल भी हो बारिश चुके थे। बहुत बार प्लान बनाया क्योंकि रास्ता हर बार टूट रहा था, इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब फैटलिटी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हुए हैं। ऋषिकेश फिलहाल बात में करते करते हम फ्लड पहुँचे ऋषिकेश, और ये रहा ऋषिकेश का फ्लड। देखो फ्लड भी कैसा फ्लड है, मतलब दिल्ली में भी इस बार बहुत भयंकर फ्लड है, और ऋषिकेश में मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, फुल शायद टाइम पहले है भी ना, अभी होंगे तो या हम फिर ऋषिकेश में ही है, मतलब हमारा ही पता रेनी नहीं कहाँ सीजन में है। पहले बार आया हूँ। सो फिलहाल सो फिलहाल ऋषिकेश का चल रहा है विमान वी टिकट मार्ट में चल रहा अरविंद है, भाई का शॉपिंग शॉपिंग, क्योंकि रैंडम प्लान बन गया, उनको रुकना शॉपिंग था का ऋषिकेश में शॉपिंग ही, किया है, अब वो आगे चल रहे हैं केदारनाथ तक, तो रेनकोट वगैरह रेनकोट सारा का कुछ प्लान ऋषिकेश तक का था, जुगाड़ पानी अब उनका कुछ वो नहीं चेंज था, करें तो सारा केदारनाथ कुछ जा वी रहे मार्ट हैं, से लेके हम यहाँ से निकल चार जाएंगे घंटे ले रहे हैं सीधे केदारनाथ के फिर लिए। ऋषिकेश रात भर में ड्राइविंग होंगे, बारिश। आगे बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ है और लैंडस्लाइड भी काफ़ी हो रखे हैं। एंड अभी हरिद्वार से ही हमारा बारिश स्टार्ट हो गया है, और यहाँ तो हरिद्वार बहुत तो ज़्यादा बारिश है। एंड सही नहीं बट है, क्योंकि हम सब हैं तो अच्छा लगेगा जर्नी, और आप लोग भी हो। अभी थोड़ा सब टाइम कुछ और अच्छा सॉर्टेड रास्ता है, आएगा, इनका प्लान कैंसिल हो गया अभी कहीं ऋषिकेश अच्छा का। अच्छा रास्ता ये है, हमें 450 रुपये दे के ऋषिकेश जा रहे थे, अब ये 900 रुपये 91 हो गया जाएंगे ब्रिज दे के का, हमें, हम चलेंगे केदारनाथ। ब्रिज नज़र नहीं और आ रहा अगर है, भगवान का, बाबा जी का नहीं अगर नहीं ब्रिज में तो साथ लैंटर्न रहा लगा तो है, इनको वो हेलीकॉप्टर का लगा टिकट भी मिल जाएगा, क्योंकि हाँ मेरे पास लगा टाइम है, बहुत कम है और इनको वापसी आने का कोई साधन नहीं है, तो ये इनको हमारे साथ ही हेलीकॉप्टर करने मतलब पड़ेंगे। वो ये बहुत कम पैदल तो कम जाएंगे नहीं, तेज़ थे, वो क्योंकि तेज़ मेड सुपर का थे, वार्निंग वगैरह काफ़ी है, कम और आ रहे थे, पैडल मार्क बहुत जगह टूटा हुआ भी है, वो भी सुनने को मुझे आया है। लगा था एंड मोस्ट प्रॉब्ली रास्ते में भी बहुत सारा लैंडस्लाइड आपको अभी देखने को मिलेंगे, तो वो भी हम देखते हैं। वैसा ही होता है यार, यही रैंडम, वही हम बात कर रहे थे, रैंडम प्लान ऐसा ही बनता है, और ऐसा ही प्लान बहुत सही रहते हैं। और मेरा चैनल का भी थीम यही है कि मैं जब बचपन में चैनल बना हम था तो मेरा उम्मीद, ग्राउंड मैं मतलब मेरा चाहत ये था कि ये देखो सामने, ये छोटा सा ये लैंडस्लाइड ऋषिकेश हुआ, की बात है, अभी भी हम पहाड़ गिर ऋषिकेश से गया, निकले नहीं है, ये बस पहाड़ लक्ष्मण नहीं झूला गिरा, क्रॉस बलुआ करके गिरा जगह है, लोग भी ऐसे और फिलहाल कहते हम हैं बाईपास पहाड़ से भी नहीं है, हम ऋषिकेश सिटी से, सिटी के गिरे दो रास्ता, एक बाईपास हरिद्वार से बाईपास पर कर सकते हो, और दूसरा सिटी से, हम ऋषिकेश सिटी सिटी होके आए, और लक्ष्मण झूला के ऊपर जो चढ़ाई है चला नीलकंठ चलेंगे जाने फिर वाला जो रास्ता चलेंगे है उसमें फिर। ये लैंडस्लाइड भी देखा। एंड वही कह रहा था कि आप चलते हैं, साले हमने और तो हम भी खुश बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि अरविंद भाई से मिला दिया, क्योंकि हमें भी अकेले अकेले थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड, बहुत ज़्यादा भारी लैंडस्लाइड हो रहा है। देखो लैंडस्लाइड, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड हो मिलेगा, गया, और फिलहाल ड्राइविंग करके कैमरा में दिखाना तो वो जस्टिफाइड नहीं है, और मैं एक्चुअली पसंद नहीं करता हूँ कोई और मेरे लिए शूटिंग करे, और डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूँ, बट फिलहाल ये लैंडस्लाइड देखे, सारे पहाड़ धोते रह गए। और आगे खबर ये भी है कि सामने भी रास्ता टूटा है, गाड़ी तो जाएगा नहीं केदारनाथ तक का, और जोशीमठ तक भी मेरे ख्याल से जाएगा नहीं। ये देखो इतने भारी भरकम लैंडस्लाइड है, तो यही सीन है। वैसे आना तो नहीं चाहिए, घर वाले ही मना कर रहे थे, बट क्योंकि ये देखो लैंडस्लाइड, बट क्योंकि अब देखो हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं मिल रहा था, पैडल हम पहले भी आए थे तो पैडल आने का कोई सीन नहीं, घोड़े से आने का कोई, इस बार बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है घोड़े का, तो घोड़े से तो कोई मतलब ही नहीं है। टाइम बचाने का एक ही तरीका, हेलीकॉप्टर का टिकट, हेलीकॉप्टर का टिकट आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 3 बार तो कैंसिल कर चुका हूँ हेलीकॉप्टर का टिकट, ये भी नया ब्रिज और ये चौथी बार है, जिसमें से 2 बारी तो मेरा, एक बड़ी बारी हेलीकॉप्टर का पैसा भी चला गया, मतलब मैं रिफंड ही नहीं ले पाया एंड मोमेंट में। ये देखो वापस एक लैंडस्लाइड, अरे भाई ज़बरदस्त लैंडस्लाइड है। तो अब न्यूज़ में भी आया कि परसों तरसों को मतलब 12-15 लोग मरे हैं, ये देखो और एक लैंडस्लाइड।
बहुत ज़्यादा बुरा हाल में है रास्ता इस समय। तो वही सीन है कि एक तो हमारे सामने चैलेंजेस काफ़ी है, एक तो ये वेदर वाला चैलेंज है, अभी बहुत ज़्यादा मतलब रेनफॉल का वार्निंग आ रखा है 4 दिन तक। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार नहीं तो कभी नहीं। और क्योंकि ये देखो, अरे भाई साहब क्या ज़बरदस्त लैंडस्लाइड है, ओए होए, हो देखो पूरा पहाड़ धस गया। और पता है हमें अभी इस समय टाइम कितना हो रहा है, लगभग मिडनाइट हो रहा है, तो गलत टाइम में भी चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, और फिर गलत समय भी चल रहे हैं, और गलत सीज़न में चल रहे हैं। केदारनाथ का मतलब ख़ास करके अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर तो करना ही नहीं चाहिए, साला हमें बुराई करेगा पुलिस वाले के सामने। बढ़िया है रास्ता भैया, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया रास्ता, बढ़िया बढ़िया, मज़े है मज़े है। अब सीन ये हो रहा है कि मतलब सब वही हमें पूछ रहा है कि भाई रास्ता कैसा रास्ता है, क्योंकि रास्ता बंद कर रखा है और हम ही अकेले गाड़ी है, ट्रक 2-3 ट्रक थे, हम ही अकेले हैं जो इस रास्ते पे रात पे चल रहे हैं। पुलिस वाले भी यहाँ तक कि हमें रोक रोक के पूछ रहा है कि भाई आगे जाने दे रहे कि नहीं, रास्ता खुल गया कि नहीं, क्योंकि सारा रास्ता बंद है अभी तक। बट क्योंकि आपको पता है ना कि हम स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, और स्कॉर्पियो में बहुत सारे लोग समझते हैं कि सरकारी अफसर बड़े अफसर ऐसा समझते हैं, ऐसा ये फैक्ट है। तो अब जैसे मैं बता रहा था कि चैलेंजेस काफ़ी है, लैंडस्लाइड्स है, रास्ता टूट रखे है, क्या पता हम गाड़ी आधे रास्ते छोड़ के हमें फिर पैदल जाना पड़े या फिर दूसरा मैक्सी कैब करना पड़े, जो भी है सफल दर्शन होगा कि नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है, अरविंद भाई को हेलीकॉप्टर का टिकट मिलेगा कि नहीं, तो ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे कि आपको बता रहा था अभी वापस से पुलिस वाले हमें पूछे कि भाई रास्ता कैसे, तुम लोग कैसे आ रहे हो, रास्ता खुला है कि नहीं, तो वो भी बाबा जी का कृपा है, हम कैसे आ रहे हैं हमें भी नहीं पता है, रास्ता सारा बंद हो रखा है। तो लेंस क्योंकि अभी फ्रेश हो, लैंडस्लाइड आपको दिखाया कैमरा में, वो सारा फ्रेश लैंडस्लाइड था, शायद हमारे आने के बाद उन्होंने बैरियर लगा दिया। सो टाइम देखिए फिलहाल 11:30 एंड एक्सपेक्टेड टाइम अराइवल 2-4 बजे है, वो भी तब कि अगर बारिश ना मिले, फिलहाल तो बारिश बिल्कुल रुक गया है, और 21 मिनट है, बारिश रुक गया, तो फिर यहाँ तो सब सही है, बस पीछे लैंडस्लाइड छोड़ दी, यहाँ तो कोई बारिश का कोई सीन ही नहीं है। तो अभी पुलिस वालों ने बताया कि ऋषिकेश का रास्ता बंद हो गया हमारे आने के बाद, रात भी काफ़ी हो गया और हमें डिनर भी करना है। फिलहाल बात करते हम पहुंच गए श्रीनगर टाउन, और अभी तलाश चल रहा है खाने का, रेस्टोरेंट का। सो सिरसी हेलीपैड पहुंचने के लिए और 3 घंटा बचा हुआ है, फिलहाल है 11:30, हम आए हुए थे नमस्ते श्रीनगर, बट यहाँ पे हमें खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि रात के 11:30 श्रीनगर पौड़ी बंद होता है सामने हमारे कार। और अभी वापस चलते हैं रोड साइड ढाबे में, फिर वहाँ खाएंगे लोकल ढाबा वाले खाना, चलिए चलते हैं। सो फिलहाल ये ढाबा में हमने खाना खाया और ये लास्ट बैच है, जैसे तैसे हमें मिल गया तो इसलिए वीडियो शूट वगैरह हो नहीं पाया, बट खाना अभी हमारा कंप्लीट हो गया और हम निकल पड़ते हैं। सो अभी फिलहाल बज रहा है 11:57 और 3 घंटे का ड्राइव है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि माइलेज क्या है, मतलब डिस्टेंस टू एमटी 227 किलोमीटर है, और यहाँ से आपका हमें डालना है सिरसी हिमालयन हेली, सिरसी खाना
पेट भर हो गया। हाँ सही है। और 77 किलोमीटर बाकी है। रास्ता का हाल देखो, और जगह जगह में हमें पुलिस वाले रुक के पूछ रहे हैं कि आपको आने कैसे दे दिए, कहाँ से आ रहे हो। हाँ, और जहाँ हम बोलते हैं हम ऋषिकेश से आए हैं और दिल्ली से आए हैं, तो लोग मतलब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो वायरलेस में सबको बोल दिया कि भाई रास्ता बंद है और दो तीन ट्रक है और हम ही चल रहे हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन डर भी काफ़ी लग रहा है, क्योंकि फ्रेश लैंडस्लाइड बहुत जगह इशू बोला है, पुलिस वाले की रिपोर्ट हुआ है और पता नहीं कहाँ का क्या क्या लैंडस्लाइड है, और सेफ्टी सेफ भी नहीं है इस समय आने का। ये तो है कि हमारा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम कैंसिल कर रहे थे और मेरा एक टारगेट है 12 होटलिंग करने का एक साथ, तो उस वजह से हमें थोड़ा रिस्क जान जोखिम में डाल के आना पड़ा, और एक फ्रेश लैंडस्लाइड, और मेरे साथ बेचारे अरविंद भाई भी आ गए, पर खैर कोई बात नहीं, भोलेनाथ साथ में है। आपने देखा ये बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गया, श्रीनगर के 50 किलोमीटर पहले से ही बारिश ख़त्म हो गया था, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं है। अब उम्मीद यही है कि कल का सुबह हमें सूरज बहुत अच्छे से दर्शन हो जाए, और क्योंकि धूप रहेगा सनसाइन रहेगा तो हेलीकॉप्टर चलेगा। देखो सारे डेजर्टेड हैं इधर, टेरी दाम है, और हेलीकॉप्टर चले गए तो हम चलेंगे और हम केदारनाथ पहुंचेंगे। तो फिलहाल हम देहरी से, देहरी का गांव के बीच में से जा रहे हैं और काफ़ी टाइम से अकेले ही चल रहे हैं। यहां से गुटकासी लगभग 24 किलोमीटर और केदारनाथ लगभग 70 किलोमीटर के पास है, आसपास है। तो कोशिश तो यही है कि जहाँ तक गाड़ी चले हम चले जाए आज रात में ही, और बस हेलीपैड के पास में ही हम कोई होटल लेके हम रुक जाए, और कल सुबह का, क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर है सुबह 3 बजे, कल दोपहर 3 बजे का, तो अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि हमारा सुबह को हो जाए और बढ़िया है। और एक गांव देखो बिल्कुल सुनसान गाँव के बीच स्कॉर्पियो एन लेके अरविंद भाई और मैं मोहित आपको सफ़र करा रहे केदारनाथ का। इसी बात के ऊपर एक लाइक और एक कमेंट, हर हर महादेव। सो सामने और एक पुलिस का पॉइंट है, देखते हैं इस बार रुकते कि नहीं। केदारनाथ गाड़ी साइड में लगा दो, पीछे लगा दे, आगे नहीं जाने देंगे, आगे नहीं जाएगी गाड़ी। तो फिर एक बार हमें छोड़ दिया आगे जाने के लिए, और वो बेचारे पुलिस वाले क्या करेंगे, बोला कि अपने रिक्स पे जाओ, चोरा तो है पर उन्होंने बोला कि अपने रिक्स पे जाओगे आप, तो भाई अपने रिक्स पे चल रहे हैं। अब जब अपने रिक्स पे चल रहे हैं तो हर चीज़ का हिसाब होना चाहिए। अब जैसे कि हमारा किलोमीटर रेंज का 100 किलोमीटर का रेंज है, तो हम पहले पेट्रोल फुल करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा कॉशियसली हमें ड्राइव करके जाना है, क्योंकि जब उन्होंने बोल दिया तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे। फिलहाल और एक बार रिफिलिंग कर रहे हैं, रास्ता तो कभी बंद नहीं हो रहा ना, मतलब रोज़ एंड इसके आगे तो हर कोई बोल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे हम आपको ये पंप ध्यान रखना, तो पिछले बार जब आपका आपदा आया था तो यहाँ के नीचे का जमीन पूरा, अभी जो पंप खड़ा है ना उसके नीचे बिल्कुल खोखला है, तो इनके यहाँ एक बाथरूम है, वहाँ पे जाओगे आप टॉयलेट करोगे ना, बाथरूम हिलता रहेगा आपको, बिल्कुल हिलते रहेंगे। सब सामने दो आदमी खड़े हैं ना, तो वहीं पे उनके बाथरूम है, तो आप जरूर वहाँ जाके देखना, अभी और एक आपके फटके ना हार्ट में आ जाएंगे, पूरा टूटा पड़ा है। हम तो मतलब यार हमारे तो बिल्कुल सही में हालत ख़राब हो गए थे यार। वैसे तो हम केदारनाथ 2-3-4 बार ही आए और रास्ते भी याद है, बट फिलहाल क्योंकि रात के समय कभी रात में हम आए नहीं, तो बिल्कुल नया ऐसा ही लग रहा है। और पंप वाले बहने भी बोले कि आगे बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है, ना जाओ तो और बढ़िया है, बट देखते कहाँ तक हम ड्राइव कर पाते हैं। एंड इस समय अगर आपको मतलब आवाज़ शायद यहाँ नहीं नज़र आओगे, नीचे में जो नदी बह रहे ना उसका ऐसा ज़ोरदार आवाज़ आ रहा है ना, और जो मतलब रास्ता है वो मतलब वाइब्रेशन कर फील हो रहा है आपको वाइब्रेशन। और एक पुलिस का चेक पॉइंट, देखते यहाँ से आगे निकल पाएंगे कि नहीं। फिलहाल हम पहुँच तो गए गुप्तकाशी, इसके बाद गौरीकुंड और फिर फाटा के बाद हेलीकॉप्टर से केदारनाथ, बट फिलहाल रास्ता बंद है, आगे चल के पुलिस वाले से बात करते हैं।
तो पुलिस वाले से बातचीत कर लो, कैमरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या पता जाने दे और कैमरा की वजह से हम रोकी ले, तो कैमरा वगैरह नीचे रख के पहले पुलिस वाले से बात करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। सो फिलहाल गुटका सिम में रूम लेके हम 4-5 घंटा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर कल सुबह निकलेंगे, क्योंकि आगे रास्ता टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है। सो फिलहाल मैं कुछ क्लिप प्ले कर रहा हूँ और ये पुलिस वाले भाई साहब जो गेट में थे उन्होंने हमें दिया है, जब हम कोशिश कर रहे थे जाने के लिए उन्होंने बोला भाई खुद ही देख लो, जाने दे रहते हैं लेकिन कैसे जाओगे। तो ये आज अभी तो रात हो रहा है, तो ये दोपहर के बाद की वीडियो है और पूरा रास्ता देखो कैसा टूटा पड़ा है, रास्ता ही नहीं है। तो उसका कल हम जब पहुंचेंगे तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आगे अभी रास्ता बना रहे हैं, तो रास्ता बना के आगे आपको, या तो रास्ता बनेगा नहीं बनेगा वो पता नहीं, ना भी बन सकता है, तो अगर नहीं बनेगा तो ऐसे ही पैदल हमें भी कल सुबह को चल के जाना पड़ेगा और फिर दूसरी एंड से हमें गाड़ी मिलेगा, ऐसा पुलिस वाले ने बताया। अब आज का वैसा हमारे पास टाइम है क्योंकि कल 3 बजे हमारा हेलीकॉप्टर है, तो हम काफ़ी एडवांस में आए हुए हैं एंड सिचुएशन बहुत ख़राब है यहाँ का केदारनाथ का, एंड देखते हैं कैसा होता है क्या चलता है, पर फिलहाल तो यही है। अभी हम 5-6 घंटा आराम से रेस्ट कर लेंगे और सुबह को अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे निकल जाएंगे, एंड रास्ता ना भी खुले तो आगे तक जा सकते हैं और वहाँ से फिर हमें ऐसे ही रोड क्रॉस करके फिर दूसरे एंड से हमें गाड़ी लेना पड़ेगा। सो आज के विषय में इतना ही, फिलहाल हम थोड़ा सो लेते हैं और मिलते हैं आपको कल एक नया एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। बाय।